किसी ने सही कहा है कि जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कोई जल्दी जाता है तो कोई देर से। आज हम आपको बॉलीवुड के उन मशहूर हस्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने साल 2021 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला, बालिका वधू फेम एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक से यूं चले जाना किसी सदमे से कम नहीं है। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ का 40 साल की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिद्धार्थ के निधन से उनके परिवार समेत पूरा देश सदमे में है। बिग बॉस के घर में शहनाज गिल के साथ बनी उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा। दोनों की दोस्ती को रिश्ते का नाम भी मिलने वाला था, लेकिन फैंस के साथ साथ उनका ये ख्वाब भी अधूरा ही रह गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई को 98 वर्ष में निधन हो गया। 65 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके दिलीप साहब 30 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन आखिर में दिलीप साहब अपनी प्यारी सायरा बानो को अकेला छोड़कर चले गए। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का 30 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राज कौशल ने प्यार में कभी कभी और शादी का लड्डू जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद मंदिरा बेदी पूरी तरह से टूट चुकी है। सुरेखा सिकरी, दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का 75 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वो काफी लंबे समय से बीमार भी चल रही थी। सुरेखा ने तमस, मम्मो और बधाई हो में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। उन्हें छोटे पर्दे के शो बालिका वधू में उनकी एक्टिंग के लिए काफी पॉपुलैरिटी भी हासिल हुई। अमित मिस्त्री, एक्टर अमित मिस्त्री को तेनाली रामा जैसे शो और कई फिल्मों में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। अमित मिस्त्री का दिल का दौरा पड़ने से 47 साल की उम्र में ही निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म भूत पुलिस थी। इसके अलावा उन्होंने अमेज़न प्राइम की बंदिश बैंडिस जैसी वेब सीरीज में भी काम किया है। विक्रमजीत, 2 मई को विक्रमजीत 52 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। विक्रमजीत ने भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद 2003 में एक्टिंग की शुरुआत की थी। पेज 3, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, टू स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसे फिल्मों में ये काम कर चुके थे। राजीव कपूर, रणधीर कपूर और दिवंगत ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव का 9 फरवरी को कार्डियक अरेस्ट के कारण 59 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए याद किया जाता है। अभिलाषा पाटिल, एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल 4 मई को कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आई थी और उसके बाद 47 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिलाषा ने सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, गुड न्यूज जैसे हिट फिल्मों में काम किया था। वो मराठी मूवीज में भी काम कर चुकी थी। किशोर नंदलास्कर, मराठी और बॉलीवुड अभिनेता किशोर नंदलास्कर ने 21 अप्रैल को 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो भी कोरोना का शिकार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन वो बच नहीं सके। सतीश कौल, बीआर चोपड़ा की महाभारत में भगवान इंद्र का रोल निभाने के लिए घर घर में मशहूर हुए सतीश कौल भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। 300 से ज्यादा पंजाबी फिल्मों और प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1 सहित कई अन्य हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके थे।